राम राम बहनों, थाने दो बहना की कथा सुनाऊं के एक बहन जिकी पूजा करती तो बन शराप दियो बहन शिवकली बनी। आ बहुत लंबी कहानी और बहुत बढ़िया कहानी है थे प्रेम सुनियो। और आ कहानी माता को जागरण कटे भी हुए तो अपा लास्ट में कथा के वहाँ तो माता बहुत खुश वार जागरण है अपनों आयो जी। तो थाने प्रेम में कथा सुनाऊँ थे प्रेम सुनियो। तो एक राजा दक्ष तो बिंग दो पुत्री बे आपके राजा ही तो नौरता व्रतक तो माता ने मानता बे ये दुर्गा माता ने और बे भी दो पुत्रियाँ आप गए बे छोटी छोटी। तो बा तारा मोटी बार रुकमा छोटी एक को नाम तारा और एक को नाम है रुकमणी। तो बे दोनों आप गए कर निगोट व्रत करन लाग गई। निगोट व्रत करे जन माता को जन बा कह भाई तड़का आप किन्या जिमाशिया नौ दिन हो गया यार होम कराशिया यार तू यहाँ करी शाम ने आप कोई जगरातो लगा सियाँ जो तू अब जा कह रुकमा तू जा जो लिया अपने समान लिया बाजारू होम को समान लिया किन्या न देन को समान लिया बाजारू लिया कह बा भाई निगोट व्रत रख यार छोटी भूख लाग गई जिके लै बेन ने गेठा बा तो इतना कद व्रत खोलियो कद जिमाया कद होम हो जद व्रत खोल सियान मन्नती बाजार में देखे भूख लाग गई। तो बैठा आप गए मांस का टुकड़ा का बनाएड़ा आप गए बना बना गेर गोचा पर बना बना के रख लिंदा कि ये सारा ही खावे वो खा ले मेरो बिंग भूखी गो अरे मन आप गए डोल गयो जो आप गए बिन कर ले भाई मनी दे दे बन दे पीसा लेर खा गए बेटी जिन के भाई थे वो के बनाई हुई सो मन तो अच्छो लगे कि भाई ये मांस का टुकड़ा को ओ मैं तो बहुत गलती कर ली नीच कर ली का समान माता को मेरे करने समान है जे मेरी बेन ठा लाग गयो तो मन के सिर मन तो मेरे तो व्रत भंग हो क्यों कह यार नौ दिन भूखी रही अरब किया कर सियूँ माता माफी मांग सियूँ जागे ना सियूँ मन में गिर गिराट करती करती समान लिए और घरे आ गई। घरे आई जन आप कह तारा बहन ने के कह बहन तू इतनी देर किया लगाई इतनी देर कुकर रुकी कह बहन ने मेरी ये गलती होगी तो बाबियों रही जा कोनी मन की साफ है आऊँ तो बतावा कह तारा बहन है मेरे एक मन में आए कभी मेरे भूख लाग गई बहुत जोर गिर में बटे बैठी तो कोई बताई दे तो बतायो जन के मैं तो ये कह मांस को टुकड़ो खा लिए वो कहते हैं इतनी नीच हरकत कर ली इतनी नीच गलती कर ली देख तो तने मैं श्राप दूँ कह मेरो इतो निगोट व्रत कर डो इतनी पाठ पूजा कर डी मैं माता ने मैं माता की भगत हूँ इतनी मेरे मनु मानू अरे कन्या ने सामान देनो तड़का होम कराना और तो मेरो सारो ही भंग कर दियो कह मैं ही गड़ी रही वक्त है तने मेरी माता में जी शक्ति है तो तने श्राप दूँ जो को तू छिवकली बन जा कह जो को तू जी जंतु ही खाती रही कह अरे तू जो के व्रत एक टाइम आधे घंटे ही तू व्रत को रह सकी कह तू इतना दिन रही तो बा कह बहन है यहाँ तो ना कर तू कह मेरी गलती होगी माफ़ी मांगे पर बन तो शराब दे दियो रिसा में रिसा में शराब दियो जन बाद छिवकली बनन लाग गई बहन रुकमणी जी की रुकमणी छिवकली आधी बन गई जन की ओ बहन है मैं छिवकली तो बन गई आधी तो और बन जैसू अरे मेरे शराब लाग गयो पर यहाँ बता आज मेरी योनी टलसी किया आ जूनी किया टलसी मिनख जमारो किया मिल सी कह तन मिनख जमारो जद मिल सी कह तू दूसरा गई तो मैं काम आसी दूसरा गई प्राण बचा गिर आपका प्राण गमासी तो तन्ने आ छिबकली जूनी टूल जेगी तने मिनख जमारो मिल जैसी कह तो भई ठीक है बेण कह राम राम कह तू जा कह तू मैं तो मेरी जाऊँ अरे तू तेरो बर्तब है अच्छी तरिया निभा ले कर मेरी तो गलती होगी मन मिल गयो शराब कह तो बात छिबकली तो भई चलती चलती रिने बिने रू रू अगे अगू चलती चलती कदी किंग कार उठना में उठ गई किंग समान सागे आगे उठ गई देश गाँव में उठ गई आगे। तो बात तारा बहन तो अच्छी तरिया आप गए माता को पाठ पूजा करती तो राजा दक्ष घणो ही तकड़ो बना आप गए कभी बाह किन्ने गई कह बन तो शराप दे दियो तारा भाई जो कह बिन तो छिबकली बन गई कह बापड़ी छिबकली बना दी अरे बोली छोटी ईर खा लियो तो खा लियो राजा की बेटी बिंग कई तराज हो तो गए तो भाई इं कर गेर बा तो बन गई बा तारा नाची तरिया तकड़े घर में ब्यादी ब्यादी तो बा छिबकली बई करता करता पांडुआ का कटे यज्ञ अर बठे उठ गई बठे उठ गई दरखत के ऊपर बैठ गई। तो पांडु यज्ञ करे पंचो पांडव तो बन कह लागो नारद जी ने कह जाओ नारद कोई एक दुआ ने और ने ले जाओ ऋषि आन सगे अर जाओ का सारा देवता ने ऋषि महात्मा ने नूनतो दई और आपा मोटो होम कर सियाँ और आपा जकी कह अठे सारा ने जिमा सियाँ कह अरबा ने नून तो दिए हो कह ठीक है। तो कह एक भी गुफा गमा मोटे बन गए माँ बिठ हुए कह दो वो है ऋषि द्वारा सी बिन कह थे नून तो दे वो बहुत क्रोधित है बहुत अकड़ू है कह बिन थे नून तो दिए हो तो बे पहला सारा देवता ने देविया ने सारा ने गणेश जी ने सारा ने नून तो दिया भी ऋषि महात्मा ने सारा दिया कह भी हाँ आसिया कह पांडुआंग कह भी अगे नोरता चल है अरबंग पांडुआंग कह यज्ञ रचाई है
या थन भोजन पानी बठई करनू है जानू है कह ठीक है महाराज सारा देई देवता जिस्या कह। तो कृष्ण भगवान तो बठई तो आप गए ओम रचन लाग गयो सारा देवी देवता आ गया भंग पांडवंग तो वहाँ आप गए बढ़िया रसोईया बुला गेर खीर तो पहला बारह ही बनतो चूल्हा पर मोटा टोपिया टेकड़ा रसोई में आप गए भी टोपियां गा खीर बनाए आप कहले भी अब सारा ओम होने लग गया तो आप सारा ही जना देखने लग जावा गए तो बे नून तो दे रहे तो भी ऋषि ने नून तो देन गया तो भी ऋषि ने आप गए ऋषि दोबारा सीने से दिया तो वो गुफा में आँख खोल बोलियो का किंग है बताओ ओम और किंग है नून तो का पांचो पांडव तो यज्ञ करावे पांचो पांडव सब ने नून तो दिया बठे ऋषि कह और किन दियो है जन का सारा देवी देवता से कह है पांडवा निया कह दियो कह किन्नी ना बुलावे मन एकला ने बुलावे तो मैं जाऊँ क्यों कह बनिया क्यों भाई महाराज आ तो ही कौन सके भी थाने एकला ने बुला मैं तो सारा देवता ने पुठो जावा कौन के ने मैं तो कही है कह तो बिना आप गए रीस आ गई क्रोध आ गयो तकड़ो आंखियां लाल काटन लाग गयो बे आ गया कह बिन के दियो पांडव ने मन ने बुलावे तो मन बुला लियो एकला ने अर कोई ना वे तो मैं जाऊँ कौन जाऊँ कह बो तो भाई मैं कह दिया तो पांडव आगे सोचन लाग गया बन बता दियो कह ऋषि महात्मा तो द्वारी सी तो आ बात कही कह कोई बात को नहीं एक ऋषि ना सी तो इतना देवता सी इस ऋषि महात्मा पंडित सी तो एक ना सी तो कोई फर्क कौन पड़े अपने तो भैया आप कह तो आ गया एर आ गया तो वो धुओं दुख है आप गैर ओम सुवा ओम सुवा ओम सुवा होवे तो मोटो ही ओम पांडुवांग और देई देवता आवे फूल बरसावे जब तो मोटो ही हुए तो बे आप गए भंग तो यहाँ चलन लग गए और बे रसोईया आप गए जद ओम होने लग गयो जद बा खीर चूल्हे पर रख दिंदी है जी एर मंदे आंच पर रख दिंदी अलुआ और पूरी सारों की काट और बठे है जी डक्या को नहीं है जी छोड़िया कल आप ही थोड़ी देर ओम गए माँ शामिल हो जावा ओम तो पूरा होना है कह आरती मो जावा तो बे आप गा गया जब कट्ठे भी आप कोई बुराई हो अच्छाई हो कि भी हो भी कोरचो को ब्याह शादी हो कट्ठे भी आप रसोई बनावा भी कट्ठे ब्याह शादी मोटू प्रोग्राम कट्ठे की जागरण जमा हो बनावा तो आपने रसोई पानी को जुको आप बनावा भोजन ने तो एकलो ना छोड़ो कि क्यों करो एकलो कोई चीज पढ़ सके कोई कोई बुरी शक्ति है तो भी भोग लगा सके तो अपने कोई जरूरी को नहीं हुआ नहीं कि भी आप कन्ना हुआ तो हाजिर हुआ नहीं तो सब कुछ ही हुआ सारों की दूर हो जाए कोई को नहीं हुआ तो यही बात खतर है आ बात कह ध्यान रखने वाली बात है कि अपन रसोई सुनी ना छोड़नी चाहिए एक जनों तो जरूर ही रसोई कने रहना चाहिए और ढकनो ही चाहिए अपन जो को भी भोजन बनावा वो रखनो चाहिए तो बिन तो भाई ऋषि महात्मा तो रीस आ गई बहुत तकड़ो करो दी तो क्यों कहेंगे तो मैं बदलो ले गए छोड़ूंगा पांडुआऊँ यार सारा देवी देवता आ गया रोम सवा आने लग रे तो धुओं दूठ है यार मन ने एकला ने बुलायो को नहीं यार आना नहीं कह मन ने एकला ने बुलाणो और आना क्यों बुलाया तो वो आपकी आंकड़ दिखावे किन वही है भी मैं ही एक हूँ राजा तो मैंने ही बुलाओ और बिन कोई ना बुलाओ तो वो आप गए बन गए एक चील के रूप में कोई जानवर बन गयो मरडो सांप चक्कर ले गयो तो बा छिपकली बंग दरखत लग गए भट्ठे चूल्हा करने तो भट्ठे बिंग ऊपर बैठी तो बोली जा गिर बुन सांप बिंग माँ गिर दियो भी अब सारा आरती में रोम में बैठे सारा यार जे हुआ तो मैं अंग जहरीली कर दियो सारा मर जा कर मैं एक रेस हूँ फिर मन ने बुलाना ही पड़सी कह तो बण आप गए भी माँ वो सांप मरेडो घेर दियो भी मैं जहर फैला दियो तो बाद तो जहरीली होगी खीर तो तब आप छिपकली बापड़ी बा ओम कर दियो राया कल भी प्रसाद चढ़ावा पहला ब्राह्मणा जिमावा गौन जिमावा तो आप प्रसाद पांचों पांडव आया लेने तो बा छिपकली चर चर करे बा तो आपकी भाषा में बतावे भी खीर जहरीली है ना खाओ राजा दक्ष बदलो ले लियो थारों कह बण नहीं कह दवारी सी बदलो ले लियो कह तो पंचों पांडव आया आगे खीर में देखियो भी भोग चढ़ावा ओम पर चढ़ावा और पंडित जिमावा पहला फिर कोई भोग समर करा तो देखे तो छिपकली पहला चरा चरूर लागी करने आपकी भाषा में कहन लागी कभी इन खीर ने कोई ना जिमो रहा जहरीली खीर है इम साप को बच्चों गेरडो है द्वारी सी ने आगे आपको क्रोध शांत कर लियो और बदलो काट लियो बा जहरीलो साप घेर दियो तो आप गए साफ घेर दियो जन बात तो खेर जहरीली होगी तो बस छिपकली की भाषा में कौन सुने तो बस छिपकली चलती आ गए जब पांचों पांडव खीर गया करना या भोजन लेन लग गया तो भी आप गए देखते ही सारा सामने खीर गए माँ पड़गी तो भी बेन वाली कोई बात याद आई कि तू जद नहीं कह छिपकली तो मैं तेने शराप बना दी पर कह जद तू बन सी कह भी मिनख जमारो तेने जद मिल सी कि तू दूसरा हित में काम आसी
तेरा प्राण गमासी, दूसरा काम औरंग प्राण बचा के तेरा प्राण देसी, जद तू मिनख जमारो तन मिल जेगो और तेरी छिपकली की चूनी तेरी टल जेगी। तो बा कह भी वही मौको है सुनेरो जो को मैं देख तू अब मेरी जान गमा दूँ और अंगी जान बचा दूँ और मेरी यूनी टल जेगी और मैं मिनख जमारा माजू। तो छिपकली बंग देखता देखते खीर गए माँ पड़गी, तो पंचू पांडवन गुस्सा हो गया रिन क्रोधी, तो ग्यार पंचू पांडव आप गया कह ये छिपकली ते आज मारो हमगो भोजन खराब करियो है, इतनी जनता बुलाई इतनी देवी देवता ने भूखा रखे है, तो मैं तन श्राप देवा पंचो पंडो, तू कह नीची उन्नी पासी कह नीची उन्नी मैं तू घरे दिसी कह। तो बाप का कृष्ण भगवान आपकी दृष्टि आंखें देखन लग गया, देखन लग गया जन आप गया कह या करो इं खीर ने नहीं कह नीचे ना खिना यो पगा में लागे प्रसाद दो, कोई खड्डो खोद गए भी माँ बूर दियो, तो खड्डो खोद गए बूरन लग गया, तो पहला तो वो छिपकली को कंकाल आ गयो और फिर आपका लास्ट में बिंगो सांप गो आ गयो। जन कृष्ण भगवान और देख कहन लग गया कि ये पांडु थे छिपकली ने दुर्शीस तो दे दी थे इन कह दे दिन जो श्राप तो कह नीच योनी मावे, पर इन श्राप इस दो का मिनख जमारो आज बने कट्ठे यो कह इंग अण छिपकली थारी जान बचाई है सारंग, या छिपकली माँ ना पड़ती तो थारी सारंग जान उठ जाती आप सारा मर जानता देख तू कह। यार कह देरेलो साप गेरड़ो इन कह दुबारी सी मैं आपको शांत क्रोधित शांत करने खातर थारो बदलो काट लियो कह चील बन गया ही है यार बन गया गेर वो देख ले सरप गेरियो है अने तो छिपकली थारी जान बचाई है कह ई छिपकली ने पहला सराप लागेड़ो बेन गो जुग छिपकली बनी कह रुको इनाम की कह अब तू यहाँ करो कह इन अच्छो तरिया दियो कल बे छिपकली पंचो पांडव लग गया का मैं सराप पुठो तो कौन ले सकानी, मैं पांचो पांडव है हमारी यज्ञ करेड़ू है तो तपस्या करड़ी है, पर तन ये करा भी तू अच्छा घर में जन्म ले ली और तेरे मिनख जो मारो आजे गो कन्यांगा जन्म में तू जन्म हो जाएगो तेरो ओ तन में आशीर्वाद देवा तो ले गई उठ गई, तो फिर भी ना आप गए दफन कर दिंदी बूर दिंदी। तो भाई बा छिपकली तो भाई तो आप गए होम और बनवायो करियो होम पूरा करियो और छिपकली एक राजा किसी गांव में राजा के घरे जन्म ले लियो, जन्म ले लियो छोटी सी कन्या गिर बाई इतनी सूनी कन्या तो सूरज चांद की सी किरण बात एन सी सूनी आप कह राजा के हो भाई मेरी बेटी हुई है अच्छे डोल नगारो देखे का नाम काटो नाम रखा गया पंडित ने बुलाओ, तो मोटा मोटा पंडिता नरबा ने बुलाया जब पंडित देख के इन्हें वो बिंग मुँह कान जाकर वो इनका नहीं कहीं कन्या का एक तो शराप है एक आशीर्वाद है किसो किसो करा किसो नहीं किए बतावा, जे राजा घर आप गए घरे राख लियो तो राजा जी तो बर्बाद हो जाएगो आ तो नीचे उन्नी में घरे जिसी कि जाओ बोले बंगी बेटी बनसी है का ठकू रेस कह कह यार जे ठहरेगी तो अन्न बर्बाद कर देगी सारा न कह। तो कह राजा साहब माने कोई दंड ना दियो मैं थन पंडता थन ऐ भी सी बात बतावा ये कन्या को नाम थे कढ़ा दियो और ये कन्या ने घरे ना रखो जे थे घर में रखोगा तो आ थार सारो राजपाठ खत्म कर देगी थारो परिवार हो जाएगो आ तो इन दुर्शीस लागड़ी इन श्राप लागड़ो है कन्या ने लार लै भोगो कह। तो कह तो ही किए हैं जित कह तो कोई तो कहेंगे वध कर दियो कह मारूँ तो कोनी भी बेटी तो बेटी हुए चाहे किसी हो बुरी हो कि उन्होंने श्राप लागड़ो है तो कोई बात कोनी आप कोई और उपाय सोचा। तो एक ब्राह्मण बोलियो कह भई थे यहाँ करो महाराज राजा हो थे थारे कोई कमी कोनी अर थे कन्या ने पालन पोषण गो थे इतो करो कहेंगे हीरा मोती संदूक के ऊपर जड़ दियो अर काठ को गड़वा दियो एक संदूक कर बिंग माँ रख दियो छोरी ने दूध नी पल में मंगा दियो कह जुको कोई वो लकड़ को काट वो तिरसी नदी के माँ पानी तो तू उतार सी तो वो जुको हीरा मोती सोनो चांदी हो सी और रिपिया हो सी तो इंगी बजाऊँ इन छोरी ने पाल ले सी इन्हें लालचू राख ले सी तो कोई मिन खे आता में उठ जिंदगी कह था नहीं पाप कौन लग है और बिंगी जिंदगी खराब कौन ही हुए हाँ हाँ बात ठीक है। तो राजा तो भाई काठ को संदूक गड़वा लियो हीरा मोती जड़वा दिया ऊपर है अरे माँ आपके गाल गए हीरा मोती बिंग माँ छोरी ने सुना दी दूध को निपल दे दियो अच्छी तरह सुना गए ले जा गए राजा के ओ भाई तिराइयो इन्हें नदी के माँ तो मोटी नदी में तिरा दी दी अरे तिरा दी जब तो आप तिरती तिरती आगे गए तो एक गाँव में एक पंडित जी दिन गई नदी में नहाना तो वो आपका आयोजन कह भाई माल तिरो जावे तिरो को नहीं जावे अर माल तो मेरे हाथा मुँह निकलो जावे अब हीरा मोती चमकता दिख है तो पंडित तो नायो तो दबा दबी नागेर बार निकलो घुनो ही हाँ पढ़िया मारिया भी संदूक मेरे कानी आज है बन वो संदूक भी कानी आयो कोनी दिने बिने तक आवे पूजा को तो टेम हो गयो पर जाऊँ किया संदूक छोड़ गिर ओ मेरा हाथ आवे कोनी ज्यों संदूक चाल है ज्यों ज्यों नदी के बराबर है बाजियो दौड़ो जावे।
तो एक बील आऊँ तो दिखे कह भाई बील रुको मेरे संदूक पानी में तिर गयो जुको तू घर दे जन कह बील के उपन जी थे कदों इतना धनमान हो गया जुको थे तो मांगे लेन आला मांगे खान आला ऐ दूपती अकर गि दो तो ही अगला को इतो ले लियो तो थे थर पानी में बहन आलो इसो धन कितो को गयो जो को थे नदी में तिरण लाग गया कह ओ धन थरो कोनी कह कह भाई कई कर बने ओ पहला मैं ही देखियो जन मेरो यार तू यहाँ करी संदूक ने भी ले जानकारी है तू तेर नू आवे तू इन बारा काट ले तेरा पा आदो आदो कर ले सिया काट लियो जन भाई उपरियो धीरा मोती पंडित जी आप गए लिया गिर सारो आप गए पोतिया के पल्ले बांध लियो भी संदूक मोनो तो पंडित को दिमाग तेज ही चल है कह संदूक में जे रिपिया और धनमाल हीरा मोती होता तो वो बजन डूब जान तो अरे मैं तो कोई हल्को ही समान है ऊपर ऊपर ही जड़ है कह तो जे वह तो ऊपर ऊपर लत्तों ले ले रही ने संदूक मालो दे दे कह भाई बील भाई संदूक मालो तेरो समान है ऊपर लो मेरो का ठीक है तो बन तो भाई हीरा मोती गंठड़ी बांध गिर चाल पड़े पंडित जी तो खड़े हो और बन आपको संदूक खोलियो तो माँ छोटी सी कन्या अरे चंद्रमा जैसी सी किरण बिंगरी ती सोने स्वरूपनी देखे जन वो कह भाई ले ये माते श्री नवरता लागेगा अरे देख तू मन्नत तो किन्या मिलगी मेरे तो घर में कोई बच्चों ही कोनी हो जो को मन तो किन्या मिलगी बहुत ही अच्छो काम हो तो वो पंडित जी देख रही कह इन किन्या ने पाल सियूँ मेरे तो आगे किन्या है के कर सियूँ कह पालन पोषण कुण कर सी पंडितानी रोला कर सी जे वह तो चाल कह बील भाई तू यहाँ कर तू कन्या ने ले जा मैं कह पूजा को टेम होगी और मंदिर में जाऊँ लोग पूजा करना आज्ञा होना का मंदिर में कह तो आप कह पंडित जी तो चाल वीर हो गंठड़ी लेके अरे वो भाई बील राजी हो गयो ले जागे आप कह कन्या छोटी से ले गयो ले जागे गरे बीलनी कह बीलनी बारह कह आज देख अब नवरता लागे नाला रहा अपना तो माता जी घरे आ गई कह आ देख कन्या तो बंत भाई बिंग बच्चों को नहीं हो बेचारा है तो भाई तो लाड कोडू अच्छी तरह पग मंडाया घरे अच्छी तरह ले गया फूल बरसाया और कन्या को लाड रखे अच्छी तरह ना पालन पोषण कर लियो तो भी कन्या को भाई अच्छी तरह लाड प्यारू पड़न लग गई तो बात तो इसी सोनी जू जू रूप रूप काढ़े धोली चंद्रमा जिसी अरोर धोली धोली हुई बगैर सोनी आप गए अच्छी बरमा शरीर की सोनी बनगी क्यों राजा की लड़की बता तो बा कई दिन छोरियाँ सा खेल है तो बील की भाई आपा कह आपा तो काम करता जावा कोई मछलियाँ लियावा और वह तो इन छोरी ने आप ब्याह दया कह अच्छो घर बार ढूंढ गए यार भी छोरी ने ब्याह दी तो ब्याही कटह कह कांगड़े गांव में बिंगी बेन पहले जमारेगी पहला बेन ही तारा बाई जक्की बने सिराप दियो बिंगो गांव गए मई बिन्न ने बठे ब्याह दिन दी नदी के सराप गए ब्याह दी तो अच्छे घर में रसे तो बिंग है तारा बाई के घर गए माँ आप गए वो राजा के घरे बैठी हरिश्चंद्र राजा के घरे तारा बाई ब्याह दिन दी बह तो बठे गेड़ी तो बा आप गए जक्की रुको भाई बन नाम कढ़ाओ भील है तो बिंगो नाम रुको कढ़ा दियो रुको पहला रुकमणी हो पहले जमारे में दूसरा बने रुको नाम कढ़ा दियो तो बिने रुको के बोलता तो भाई रुको न कह ब्याह दियो मुकला दियो ब्याह दी मुकला दी उठ गया तो भाई बा रुको आप गए सासू सरान ने तो आप गए देई देवता मानती पति ने परमेश्वर सेवा करती अच्छे तरिया रस्त्या बस्त्या तो आगे सासर गई तो बंगई भाई गुनो धन होने लाग गयो अरे बंगी गरीबी दूर होने लाग गिर काम लाग गया जब सासू आप गए भी तारा भाई गए मेल गए माँ काम करने जाती पोचा भारी करके आती तो रोज बा काम करके आती एक दिन बिंगी तबीयत खराब होगी अरे सांस उपड़न लाग गयो कह बेटा बुखार है आज मेरू कौन जाइजे अरे तू राजा का मेल गए माँ जागे अरे भी तारा भाई के मेल में तू जागे पोचा भारी कर गया काम करके गरी आज ही अरे तने दो तीन दिन जा तू उड़ जा कह कोई बात नहीं माँ जी मैं घर गो काम कर लूँ उड़ जाऊँगा तो वाह भाई नदी पार कर गई अरे बैठे उठ गई गई जना जागे आप गए पोचा भारी कर गए चालन लग गई जन तारा भाई की निगाह पड़ी निरह निगाह पड़ी देखे बहन इन्ना आ कह जन कह भाई मैं थारी गलत होगी महाराज रानी सा थाने को गलती होगी उन्हें मैं थारी बहन को नहीं मैं तो नीच जाती गी काम करने वाली हूँ पोछा भारी करूँ कह और मेरी सासू आता बे बीमार है मैं आऊँ कह नहीं तू जाने ना जाने पर मैं तने पिछाण ली तो तारा भाई नीचे आ गिर कह मिलन लागी गले कह रानी सा मैं तो नीच जाती गा मैं थारा पग छुआ तो ही थारा भेंट लगे थे माने गले लगा ली कह ना तू मेरी बहन है रुको पहला रुकमणी हो तीर अब तेरु नाम की है रुको कह बस नाम हो ही निकल गयो कह मैं तने बन सारी घटना आपकी बताई कह तो आप माता को व्रत रखती दोनों बहना ही व्रत रखियो तेरु भूख संतान सहन को नहीं हुई तो मांस लेके खाइए तने मैं श्राप दे दियो मैं माता की तकड़ी भगत थी हो माम खातर तेरे को समान मंगायो पूजा पाठ भी कन्या जमान भी तो तू रह गए माँ आप गए मांस लेके खा लियो तो भी मैं भंग गा दियो तो मैं तने नीच उन्होंने सिर के गए तने श्राप दियो
तो तू छिबकली बनगीर मैं तने तय पूछो क बहन छिबकली ना अटनगो सब मन बता दे कभी छिबकली को शराब तो मन दे दियो मैं हटसी किया मेरी जूनी किया हटसी तो तने बतायो भी तू कि दूसरा गई तो मैं तेरो जान गमासी तो तेरो छिबकली की जूनी कट जैसी मिनख जमारू आ जैसी कह तो मैं तू आप गए वो देख मिनख जमारू आ गयो तने तू मेरी बहन है तेरी सासू नान दे करे तू रोज मेरे मेल में काम करना आई करे तो बा भाई अच्छो भोजन कराती बहनी अरे अच्छा वस्त्र देन लाग गई क्या बेटा इतना दिन तुरानी सा कमी दियो क्या माँ जी मैं ही जी सियो बतो क्या भांगा पोचा भारी करिया सियो तू ही जाई कर बेटा अपन तो अच्छो धन माल देन लगी तो बहन का नहीं सोच ही बतो आप गा अच्छा कपड़ा लत्ता बिंग सासू सरंगा आप घर सारंग देन लग गई भी अच्छी तरिया रो तो भाई नवरात्रा आ गया तो तारा भाई तो भाई करे आप गए नवरात्रा करे अच्छी तरिया जी जानू ने गोट व्रत करे और पूछा तो बना ओम जागरण रचायो तो बिन कियो बहन है रुको तू यहाँ करी मेरा जागरण है भी दिन तू रात ना जी कह दिन में तो मैं कन्या जी मासी हूँ होम करासी हूँ तू दिन में पोचा बारी करके उठ जाई और तू शाम ने जरूर आई तेरे परिवार ने ले गई आज जी कह जन बा कह भाई मैं नीच जाती गा कह सही कोई हो तू आज जी कह ठीक है तो बा भाई आप गए बिंग तो नवरात्रा पूरा हो गया तारा भाई गए तो और जागरण रचा दिन दियो अस तरिया तो बा कह आज जानो और जावा किया लेट हो बगा घरे कदे कोई उगे कदे की उगे घरे काम आप घरे नवरा आप गए घरे हो नवरात्रा और है तो चलना कह तो सासू ने सूसरा ने ले के उठ गई रात ने जागण में रही तो सारा जना कहन लग गया कभी माता गए जागरण है कोई भी इच्छा आपकी मांगो तो माता गए चरणा में जो अर्जी लगाओ तो किता ही पुगो बिता ही अर्जी लगा गेर आपकी मनोकामना मांग लियो माता को जागरण हो बैठे आप माता जी गए अर्जी लगावा तो पेरा में रख दया तो माता स्वीकार करे और अपनी मनोकामना पूरी करे अपनी जरूरी करे सुनाई करे जो को बोलना अपन करनो जरूरी हुए तो भाई बा जागण में आ गई आई तो लेट बना आ गेर बना आप गए बेनू मिल गए जिमाज उठाओ कर गे रिया क्यों ले बेन है तू जो को बोलनो है जो को बोल दे तेरी मनोकामना का बेन है के हुए यूँ के नहीं के बात तो भूल गई लार ले जन्म को तो अर कह माता का नौरता है दुर्गा माता का देखो श्री शेरावाली का आ सब कुछ देवे कर तू ये नौरता कर गिरी चरणों में तेरे कने जो कोई कुछ डा दे कह बहन मैं तो की कौन लिया कह मेरा तो की कौन कन्ने रिपिया टोकड़ा कह चढ़ाणो तेरे कन्नू ही पड़सी फिर हाथ कन देखियो कह मेरे कने एक अंगूठी है कह अर बा है तो चांदी की पर मैं अंगूठी चढ़ा दूंगा चरणों में रख दूंगा कह तो बाहर जागे धोक मार गे तू अंगूठी आप गए बिंग माता के चरणा में रख दी कहे माते श्री मेरे ही कह गोदिया में लाल खिला वह मैं लाल खिलाऊ नू है मीना मेरे भी बेटो जे तो मैं थारो ईशो जागरण लगा दियूँ यार और ये माता रानी मैं भी थारा नोरता करा तो सबकी सुनो तो मेरी भी सुनो तो लगा गिर भाई रुको भाई तो जागरण सुनी सुबह जल्दी उठ और पोचा बारी कर भंग करे आप गए उठ गई तो भाई कई दिन हो गया जागला नौरता या बिंग तो भाई आप गए बेटो पेट पड़ गयो और नवरात्रा या बो पहला बिंग तो आप गए बेटो गयो 12 महीनों आया बेटो यो तो धूमधाम नाम कढ़ायो जन बात जागण भूल गई नाम कढ़ायो तो माता जी बोली बापड़ी गरीबनी है टेम पास करे कोई बात करनी माता न माता हुए बिंग बेटी हुए सारी तो बिन माफ करा कोई बात नहीं 4 साल गो उसी जना कर दे सीख तो बिंग बेटो भाई 4 साल गो गयो तो भी बात जागण जमा भूल गई कौन करियो तो फिर माता ने आप गए तो भाई अभी कौन करियो फिर बेटो तो फिर मोटो हो गयो जना आप गए नवरात्रा आ गया बात तो भूल जाए जागण जुगण लगाना नवरात्रा कर लिए जमा ही भूल गई जना आप गए भी बेटा गए माता निकल गई एन बुरी तरह एन बेहोश हो गयो भैया बच्चा ही कौन है तो बार रुको आप गए काम करने बहन के नाई के बहन है मेरी कोई बात सुनो भई कह बहन तारा बहन तू मैंने बहन ही माने है तो मेरे तो के जावे बहन मानना हूँ मन्ने तो की मिले ही गो बहन मानसी जन भई तू मेरा बेटा की हालत होगी किया होगी देख जन कह भई मैं जाऊँ किया तू मैंने ठी लिया के दिखावे तो कह भई तेरी माता गए तेरे बेटा गए ऊपर माता को दोष है तन जागण बोलियो और लगायो कौन ही कहाँ बहन मैं वो तो कौन लगायो कह तो भई अब लगासियों कह तो या करे 3 प्याला वर्गे रख दे और माता के चरणों में जुक भी अर्जी लगा दे तेरों सजा बिसी अरे फोटो रख दे नवरात्रा करो और बाद में थे जागण लगाइयो 9 दिनांक माँ अब नवरात्रा आना है तो भई अच्छी तरिया आपके घरे जागे छोरन सुना दियो माता की फोटो लगा दी सुना दियो मोर पंखी लगा दी कन्ने 3 प्याला रख दिया वर्गे
और दूध गंगा जल गा रख गए। फिर क्यों ये माता अर्जी लगा गए, मेरे छोरा ने ठीक कर दियो, मैं थारो जागण नवे दिन लगा देसू। तो बिंग अच्छी तरिया आप गए जागण बन बोल दिन दियो भी छोरू ठीक हो गयो, ठीक हो गयो। जन जागण बोलियो जो कह बहन है, मैं तेरे जागण में आई, तू मेरे जागण में आई। तो बिंगो पति आप गए हरिश्चंद्र राजा सुने भी आ तारा नीच जाति के आ बिंगो नौकर सुने कोई भी आ तारा नीच जाति के घरे जिसी नीच बस्ती में जिसी देख कच्ची बस्ती में आ राजा की रानी तो इन बदनामी को नहीं उसी कुछ को लाग सीख है। इतनी मोटी रानी यार बट जिसी तो कुछ ही लाग सीख है जे वह तू राजा ने बता दे। तो राजा ने कह राजा साहब आपकी रानी तारा भाई तो बंगे पोचा बारी करना है नीच योनी घरे जासी बंग जागरण है माता गौर भट्ठे जिसी के तो बे करे के काम है बे तो आपकी काली माता नहीं धोके बिल तो अरे आप गए सिरा वाली धोके तो ये तो माता बापड़ी तो बिन धोके तो बिन आप गए खे दियो। तो बाबेन कह भाई आस्यू मूड़ी बेगी कुकरी कर गई आस्यू जरूर आस्यू रुको तेरे जागरण में जरूर आस्यू। तो भाई बाप गए बहन की खतर गई जब आप गए तैयार हुई तैयार हुई तो आप कपड़ा लत्ता गा लिया भी बहन के टाबरा ले छू छोरो है तक ठीक हो मेरी बहन को जाऊँ पहला तो मेरी बहन ही अरे बहन के शराप हूँ बा देख तू कह मेरी बहन ही मैं शराप दे दियो जन आज के नीचे उन्नी मैं फिर है नीच तो दोनों बहना हूँ हार कह राजा घरे कह पर कोई बात नहीं है तो मागी जाई बहन ही है लारला जन्म गीत के है तो वो ही नाम अर भाई शक्ल कह। तो भाई उठ गई तो राजा साहब गए बेम पड़ गयो भी मैं जान कौन दियो कन्ने सो गयो रानी गए अब यहाँ तो मैंने नींद आ जाए आपकी आंगली बाढ़ ली लून मिर्च लगा के पट्टी बांध ली कह मेरे आप गए दर्द दोषी तो मैंने नींद कौनिया सी जन मैं इन्हें रुको ने जान कौन दियो कह इन्हें तारा ने जान कौन दियो कह तारा चाली जन कह तारा किन जय है कह भंग जागण में जिसू कह ना भाई तारा मेरी बदनामी हो जे राजा की रानी है को जी लागे मैं तेना कौन जान दियो और बोले की कर बठे कौन जान दियो ठीक है महाराज कौन जाऊ तो आपके पत ना आपके ना कर गिर सोगी तो राजा साहब कितनी देर हुए वो लून मिर्चा को चिरमराट तो मिट गई और नींद आ गई सोगी तो तारा तो चल पड़ी जागिर जंदर कैसी आई जन वो जागण तो समाप्त हो गयो अरे प्रसाद बंट आरती होन लग रही आरती में जागे खड़ गई आपके आरती लेगी कुर्सी पर बैठ गिर आरती ले लिंदी ले गिर प्रसाद देन लग गया तो बे काली माता को प्रसाद चढ़ायो तो माता आप गए मांस का टुकड़ा जरूर ही चढ़ाया आप गए चढ़ाया तो बिना आप गए जोड़ी में देन लगे तो राजा तो उठ गयो राजा तो जाग आई रायो ले गए तलवार का आज तारा की बात नस काट सी तारा की कह ले तो गई क्यों बिना कही कर बंग जात्यांग आगे जाग राजा जाग खड़े तो प्रसाद बंटन लाग रहे सारा जोड़िया में प्रसाद दे दियो तो बिंगी जोड़ी में प्रसाद दे दियो बन तो जोड़ी मांडी मांड गए आप गए तारा तो गांठ बांध ली चल पड़ी चलन लग गई जन बुआयो राजा साहब ले गिर रुक तारा कह मैं तनीती बरजी तू क्यों आई कह भी राजा साहब बरजो और ना बरजो पर मेरी बहन नी मेरे मनो में आ गई कह तो तू इसो प्रसाद क्यों लियाई माता ने माना आपा तो शेरा वाली ने दुर्गा ने वो प्रसाद बे तो बापड़ा नीचे जाती का काली माता ने माने बे तो आपको प्रसाद चढ़ायो करो बे तो आपको की करे पर तू वो प्रसाद लेगी घरे क्यों आई कह महाराज वो प्रसाद तेरी गंठड़ी में खोल कह नहीं महाराज वो ही है कह मेवा मिश्री काजू बिदाम यही प्रसाद सुखा मेवा का प्रसाद है वो कौन थार गलत फेमी है कह तो खोल के दिखा जन याद करी हे दुर्गा मैया शेरा वाली मैं तने इती याद करूँ इता तेरा भजन भाव करूँ इता तेरा नवरात्रा करूँ जागण जमा लगाऊँ आज मेरी लज्जा राख दे मेरा राजा के सामने मैं मेरी बहन की लज्जा राखी तो मैं लेगी आगे प्रसाद आज तेरे में शक्ति है तो प्रसाद असली बना दे और राजा के मेरी दूर भैया छित्रिया दूर ना हो और कट्टा बाडो ना हो की ना हो लड़ाई ना हो झगड़ाऊँ दूर कर दे तो आप गए प्रसाद बा खोल के देखे तो भी मैं काजूर बिदाम पिस्ता आप गए अच्छो प्रसाद आप गए लड्डू पिड़ा जन राजा साहब गया खुली कह देख तू कह मैं आप मेरी आंखें देखियो तने वो मांस का टुकड़ा वो प्रसाद दियो और आज तू वो कुकर बनियो तेरो कह राजा साहब देख लियो मैया की कृपा है कि सी तेरी माता है तो ले तन देखूँ तेरी माता की शक्ति कह गरे आगे ले आगे बिठा गए तेरी माता की शक्ति देखूँ मेरे सुनो सुनो घोड़ो है मेरो एन मेरे दिलों प्यारो है भी घोड़ा ने मैं मारूँ कह अरे जीव तो कर दे के जब तारा बाई रानी बोली कह नहीं महाराज है बन घोड़ो निर्दोषी है बिन थे दोष क्यों लगा और क्यों बापड़ा ने बिना ही काम को मारो तो आपा ने बिना मारियो के उसी कह थे मारो तो थारो लाल एक ही है बिन मार के देखो भी थारे की कालजे की लागनी चाहिए मेरी माता शक्ति है जब तो मेरी माता थारो कह पूरो कर देसी ठीक है तो वचन कह।
आप गए बन तो क्यों राजा क्यों राजा कोई दया धर्म हुए तो राजा क्यों बने बात तो आयो जी काटे और बाटे और छोड़ियो बन तो भी यही चालियो बांगो तो काम है तो मोटा राजा क्षत्रिय है बता बन तो के दया वही तो आप गए ले आगे छोरा नर पटक गे रिंग टुकड़ा टुकड़ा कर गए थाली में गाल गे तारा भाई का अगर खतियो कर ले तेरो लाल देखो तेरी शेरा वाली मैया ने देखो तेरी माता ने दुर्गा ने भी तेरी ने तू नोरता करे तेरी माता ने देखूं भी मेरे बेटो जीव तो कर दे बिशो बिशो तो ही तेरी माता में शक्ति है निस कोई जागरण कोई जम्मान कोई नवरात्रा आज बाद में कह तू कह मेरी बहन है भाई है तू आज झूठी कहानी है कि नहीं तो बा भाई बा तो बैठ गई माता का मिंदर आ गया अरबण थाली भर गए रख दियो माता का गए तो बा आप गए दुर्गा माता तो याद करता ही रह गई शेरा वाले ने यार क्रोधित राजा के ऊपर रीस बढ़ती रही आगे बन आप गए क्रोधित उनती आवे फूंका आप साड़ो करती आवे अर आगे रीस आई माता तो ऐन जिंटा खिलार गे आगे अर टुकड़ा टुकड़ा जोड़ गिर बिशो बिशो बना गिर आप गए भी मैं शक्ति गाल दी प्राण गाल दिंदा छंटो दियो जलगो और देनते ही वो तो खड़े हो गयो कह मम्मी मैं ही चलूंगा जागण में थर सके तन कह ले मेरो बेटो तो जाते कह ले भई बन हरिश्चंद राजा बन तो आप का देख गिर पदरना में पड़ गयो कब कह भई मेरी जो गलती है तो मेरी नस काट दियो मैं मेरी तारा ने गलत मानी हूँ अरे मैं ऊंची नीची जाति कौन मानूँ अब बाद में आज कोई ऊंची नीची जाति को नहीं है मैया के घर में सब एक सा ही हुआ है माता माने भी इस घर में सारा ही एक सा हुआ है अपना ही हुआ है मन मिटाओ कोई ना करो और माता सब की एक ही माँ हुआ है तो आप गए अच्छी तरिया बिंग छोरो जीव तो हो गयो और जागरण जमा लगाया और राजा हरिश्चंद्र भी दिनों मानन लग गयो कभी माता सच्ची है जो भगत आपके सच्चे मनो कोई चावे सच्चे मनो दयावे व्रत करे पूजा पाठ करे बिशोई जिसो सज्जे बिशोई घर में माता का चढ़ाओ बन चरणा में अर्जी जरूर लगाओ तो आपने ओ फायदो ही है अरे अपने मनोकामना जरूर पूरी हुए यार आ कथा बेनो चिबकली सराप गी तारा बाई रुको बाई गए रुकमणी गए दोनों बहना गी नवरात्रा की कथा चाली तो आपा माता को कोई कीर्तन हुए जागण हुए तो आ आपा कहानी जदू चाली अर जद बिंगे माता बिंगे लड़का गए बेबा निकलिया फलवा माता तो बा माता जदू निकलन लग गई अर जदू ये शराप निकलन लग चालिया और जदू ये नवरात्रा और पाठ पूजा मैया कर तो मैया सब ने ही परचो देवे जो को सच्चा मनो ध्यावे तो जिसो भी ने परचो दियो मैया वो सब ने दियो और राजा हरिश्चंद्र भी मानन लग गयो और सारा भी मानन लग गया मैया ने और जिसो परचो दियो इसो सब ने दियो मैया तो राम राम बेणो आ कथा जागण जमे में सुनियो माता के जागण में सुने तो जागण आई हुए और माता बहुत खुश हुए माता के कीर्तन में या जागण में आ कथा सुनावे तो माता बहुत खुश है पांच भजना है बराबर आ कथा है जरूर सुनियो और थाने अच्छी लगे तो आ वीडियो लाइक करियो और शेयर करियो राम राम है सारिया ने माता की जय माता की।